एक अच्छी नींव, लेखक जैक पूनेन। विषय सूची: एक, मन फिराव। दो, विश्वास। तीन, चुनाव और धर्मी ठहराया जाना। चार, चेला होना। पांच, जल का बपतिस्मा। छह, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। सात, पवित्रता। आठ, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। नौ, संगति और कलीसिया। दस, इस युग का अंत। ये पुस्तक और आप सुसमाचार, ये शुभ संदेश है कि आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य से जैसा रहने की इच्छा की थी वैसा अभी वह रह सके। जो मसीह के दावों को पूर्ण समर्पित है वह स्थिर विजय जीवन जी सकता है। फिर भी कितने हैं जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तथापि वे सुसमाचार जो महिमामय जीवन देता है उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं? साधारणतः कारण यह है कि उनके आरंभिक मसीही जीवन में अच्छी नींव नहीं डाली गई है। हमारे नए जन्म के बाद के जीवन की तुलना एक बनते हुए घर के साथ की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि घर का महत्वपूर्ण भाग उसकी नींव होती है। यदि घर के तीसरे मंजिल में दरार हो तो उसका कारण साधारणतः दोषपूर्ण नींव ही जाना जाता है। हमारे जीवन के साथ भी ऐसा ही है। मसीह पर भरोसा करने के कई वर्षों बाद भी हम आरंभ में डाली गई दोषपूर्ण नींव के परिणामों से पीड़ित हो सकते हैं। नया नियम पाप के ऊपर विजय के जीवन की प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखो, रोमियो 6:14, तुम पर पाप की प्रभुता न होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और ये हमें सदा आनंद का जीवन और संपूर्ण उदासी से मुक्त जीवन जीने की आज्ञा देता है। फिलिपियों 4:4-6, प्रभु में सदा आनंदित रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो। स्मरण रखें कि परमेश्वर हमें वही आज्ञा देगा जिसे वह हमें करने की योग्यता देता है, इसलिए उसकी आज्ञाएं एक तरह से प्रतिज्ञाओं में है जिन्हें प्राप्त करने के लिए वह हमें अनुग्रह दे सकता है। उपरोक्त आज्ञा में इसलिए प्रतिज्ञा है क्योंकि परमेश्वर हमें नित्य आनंदित तथा संपूर्ण उदासी से मुक्त जीवन जीने की योग्यता देता है। नए नियम में इस प्रकार की बहुत सी महिमामय प्रतिज्ञा है, परंतु जो हमने लिखी है वो ये दर्शाने के लिए काफी है कि वास्तव में सुसमाचार ही शुभ संदेश है। फिर भी दुखदायी सत्य ये है कि बहुत से मसीही जो दावा करते हैं कि उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया है वो अपना जीवन उपरोक्त पदों के अनुसार नहीं जी रहे हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में अच्छी नींव डाली जाने के योग्य आपको बनाए ताकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का संपूर्ण उद्देश्य पूरा हो सके। आगे सुनिए और पवित्र आत्मा को आपके हृदय से बातें करने दीजिए। हो सकता है ये आपके संपूर्ण जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हो। अध्याय 1, मन फिराव। यीशु ने कहा कि उसकी भेड़शाला यानी उसके राज्य में प्रवेश का सही मार्ग द्वार से है, परंतु उसने कहा कि कुछ दीवार पर से चढ़कर आने का प्रयत्न करेंगे। यूहन्ना 10:1, परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए
जो मार्ग ठहराया है वो मन फिराव और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास यही एकमात्र मार्ग है। जो किसी अन्य मार्ग से चढ़कर आने का प्रयत्न करते हैं उन मनुष्यों को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं कर सकता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया, उसने मन फिराव का प्रचार किया। इज़राइल के राष्ट्र को यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार करने के लिए वही एकमात्र मार्ग था। हमारे लिए भी कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। मन फिराव और विश्वास। आज बहुत से मसीहों में वो गहराई या सामर्थ दिखाई नहीं देती जो प्राचीन मसीहों में थी। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? इसका प्राथमिक कारण ये है कि उन्होंने सही मन फिराव नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, परंतु उन्होंने बिना पहले मन फिराए विश्वास किया है, इसलिए उनका परिवर्तन ऊपरी है। आइए इस सुप्रसिद्ध गीत के शब्दों को देखिए। एक नीच दुष्ट जो सचमुच विश्वास करता है उसी क्षण यीशु से क्षमा पाता है। क्या ये सचमुच सत्य है कि एक नीच दुष्ट केवल सत्य विश्वास करने के द्वारा ही क्षमा प्राप्त कर सकता है? क्या उसे पहले मन फिराव की आवश्यकता नहीं है? आप कहेंगे कि सच्चे विश्वास में मन फिराव भी पाया जाता है, परंतु जब तक नीच दुष्ट को ये समझाया न जाए तो वो ये सोचते हुए चला जाएगा कि उसका नया जन्म मात्र विश्वास करने के द्वारा हुआ है, और वो धोखा खाकर चला जाएगा। मसीह ने जो स्वयं संदेश प्रचार किया वो था मन फिराव और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15। उसने अपने प्रेरितों को भी यही संदेश प्रचार करने को कहा। लूका 24:47। और उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया। प्रेरितों के काम 20:21। इस पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप अच्छा और सच्चा परिवर्तन चाहते हैं, तो मन फिराव और विश्वास अलग नहीं किए जा सकते। परमेश्वर ने इन दोनों को एक साथ जोड़ा है, और जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग न करे। सचमुच में मन फिराव और विश्वास मसीही जीवन के पहले दो तत्व है। इब्रानियों 6:1। यदि आपने सही मन फिराव नहीं किया है तो आपकी नींव दोषपूर्ण होती है, और तब सचमुच आपका संपूर्ण मसीही जीवन भी दोषपूर्ण होगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है, या ABC है, नीति वचन 9:10। और यदि हम सचमुच प्रभु का भय मानते हैं तो हम पाप से फिर जाएंगे, नीति वचन 3:7। सो जिन्होंने मन फिराया नहीं है तथा पाप से फिरे नहीं है, तो उन्होंने मसीह जीवन का ABC अभी तक सीखा ही नहीं है। असत्य और सत्य मन फिराव। यदि आपने मन फिराया है यानी पश्चाताप किया है, तो आपको निश्चय होना चाहिए कि आपने सिद्ध मन फिराया है, क्योंकि शैतान के पास उसका नकली मन फिराव है जिसके द्वारा वो लोगों को धोखा देता है। शैतान को मालूम है कि अधिकांश लोग एक ही आज्ञा के अनुसार जीते हैं, जो कहती है कि तुम पकड़ में नहीं आओगे। सो वो उन्हें ऐसे पाप करने के मार्गों तथा तरीकों को सिखाता है जिससे वे पकड़े न जाए। यहाँ तक कि एक चोर भी पकड़े जाने पर खेद महसूस करता है, परंतु वो मन फिराव या पश्चाताप
नहीं है। हम बाइबल में कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जिनका मन फिराव झूठा था। जब शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो उसने शमूएल के सामने मान लिया कि उसने पाप किया है, परंतु वो ये नहीं चाहता था कि लोग इसे जाने। वो अभी भी मनुष्यों के आदर का खोजी था। उसने सच्चा पश्चाताप नहीं किया था। वो केवल दुखी था कि वो पकड़ा गया। एक शमूएल 15:24-30। यही उसके तथा दाऊद राजा के बीच भिन्नता थी, जिसने पाप में गिरने के पश्चात उसका खुले आम अंगीकार किया। भजन संहिता 51। दूसरा है आहाब राजा। आहाब राजा भी शाऊल की तरह ही है। जब एलिया ने उसे चेतावनी दी कि परमेश्वर उसका न्याय करने जा रहा है, तो उसने अपने आप पर सचमुच खेद ही प्रकट किया। उसने अपने ऊपर टाट ओढ़कर तथा अपने पापों के लिए विलाप भी किया। 1 राजा 21:27-29। परंतु उसने सत्य मन फिराव नहीं किया। वो केवल परमेश्वर के न्याय से डर गया था। यहूदा इस्करियोती की कथा भी झूठे मन फिराव का स्पष्ट उदाहरण है। जब उसने देखा कि यीशु को मृत्युदंड दिया गया है, तो उसे बुरा लगा तथा उसने कहा, मैंने पाप किया है। मत्ती 27:3-5। परंतु उसने याजकों के सामने उसका अंगीकार किया, जैसे कि आज भी कुछ लोग करते हैं। उसने मन फिराव नहीं किया। यद्यपि हो सकता है कि उसने जो किया था उस पर वो खेदित हुआ हो, यदि उसने सच्चा मन फिराव किया होता, तो वह टूटी हुई दशा में प्रभु के पास गया होता तथा उससे क्षमा मांगी होती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। इन उदाहरणों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि मन फिराव क्या नहीं है। सच्चा मन फिराव है मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरना। 1 थिस्लुनीकियों 1:9। मूर्ते केवल वो ही नहीं है जो लकड़ी और पत्थर की बनी हो, जो कि अन्य जातियों के मंदिरों में पाई जाती है। इसी के समानार्थ खतरनाक मूर्ते हैं, जिनकी लोग उपासना करते हैं, जो अधिक कुरूप दिखाई नहीं देती है। वो है आनंद, सुख विलास, धन, कीर्ति, खुद के मार्ग की चाह रूपी मूर्ते इत्यादि। हम सभी ने इनकी वर्षों तक उपासना की है। मन फिराव का अर्थ इन मूर्तों की उपासना करने से रुक जाना और उनसे फिर कर परमेश्वर की ओर हो जाना। सच्चे मन फिराव से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व, अर्थात हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छा जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम पश्चाताप का अर्थ ये है कि हम संसार तथा पाप के विषय में अपना मन बदल रहे हैं। हम पहचान रहे हैं कि हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। हम ये भी देखने लगते हैं कि संसार के जीवन का संपूर्ण मार्ग परमेश्वर विरोधी है तथा हम परमेश्वर का निरादर करने वाले उस जीवन के मार्ग से फिरना चाहते हैं। दूसरी बात, मन फिराव हमारी भावनाओं से जुड़ा है। जिस मार्ग में हम जी रहे हैं उस पर दुख महसूस करते हैं। 2 कुरिन्थियों 7:10। हम अपने बीते हुए कर्मों से अपने आप पर घृणा करते हैं और इससे भी अधिक हम उस महानतम बुराई से घृणा करने लगते हैं जो हमें अपने आप में दिखती है, जिसे कोई और नहीं देख सकता। एहेजकेल 36:31। हम जिस रीति से जीवन जीकर परमेश्वर को चोट पहुंचाते रहे हैं, उस पर हम आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं,
बाइबल के बहुत से महान पुरुषों की प्रतिक्रिया यही रही है जब वे अपने पापों के प्रति चौकस हुए। दाऊद भजन 51, अय्यूब 42:6 और पत्रस मत्ती 26:75 सभी अपने पापों से मन फिराकर बिलख बिलख कर रो पड़े। यीशु तथा प्रेरितों दोनों ने ही हमें अपने पापों के लिए आंसू बहाने तथा विलाप करने के लिए प्रोत्साहित किया है, मत्ती 5:4 और याकूब 4:9। यही परमेश्वर की ओर का मार्ग है। अंत में मन फिराव हमारी इच्छाओं से जुड़ा है। हमें अपनी हठीली खुद की इच्छा को समर्पित करना होगा जो अपना ही मार्ग चाहती है, और यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाना होगा। इसका अर्थ यह है कि हम अब से जो कुछ परमेश्वर हमसे चाहे उसे करने के लिए इच्छित है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तथा कितना भी नीचा होना पड़े। उड़ाऊ पुत्र एक टूटा हृदय और समर्पित व्यक्ति के रूप में पिता के घर वापस पहुंचा, इस विचार से कि जो कुछ उसका पिता उससे कहे वह करेगा। यही सच्चा पश्चाताप है। लूका 15:11-24 हमें परमेश्वर के सम्मुख हर एक पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं है जो हमने अब तक किए हैं। इन सभी को स्मरण करना हमारे लिए असंभव है। उड़ाऊ पुत्र ने ऐसा नहीं किया। उसने जो कहा वह था, पिताजी मैंने पाप किया है, और केवल यही हमें कहने की आवश्यकता है। परंतु स्मरण रखिए, यहूदा इस्करियोती ने भी कहा, मैंने पाप किया है। यहां उसके अंगीकार तथा उड़ाऊ पुत्र के अंगीकार में एक संसार का अंतर था। परमेश्वर केवल हमारे बोले हुए शब्दों को ही नहीं सुनता, वह शब्दों के पीछे आत्मा का बोध लेता है तथा उसके अनुसार हमसे व्यवहार करता है। मन फिराव का फल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने फरीसियों से कहा कि मन फिराव के योग्य फल लाओ, मत्ती 3:8। यदि हमने सच्चा मन फिराया है तो वो हमारे जीवन का संपूर्ण मार्ग परिवर्तन कर देगा। मन फिराव के पश्चात सर्वप्रथम कार्य हम ये करें कि हमने अपने जीवन में दूसरों के साथ जो बुराइयां की है उनके बदले भलाई करें। हम जक्कई के विषय सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जैसे ही यीशु ने उसके घर में प्रवेश किया, उसने अपने को अपने पापों का दोषी पाया। लूका 19:1-10 जक्कई पैसों से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, परंतु वह समझ गया कि मन फिराव में क्या मिला हुआ है। वह जानता था कि यदि वह यीशु का चेला बनने जा रहा है तो अपने जीवन में उसने जितनी गलतियां की है उनको उसे सुधारना होगा। इसका अर्थ उसे पैसों की भारी हानि उठानी होगी क्योंकि उसने बहुत लोगों को धोखा दिया था। परंतु उसने संपूर्ण हृदय से मन फिराव के विषय में सोचा और प्रभु से कहा, वह अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देगा तथा जिन्हें उसने धोखा दिया है उनको चौगुना फेर देगा। जक्कई ने जब वापस करने की बात कही तभी यीशु ने कहा, इस घर में उद्धार आया है। वापस करने की इच्छा करना ये सच्चे उद्धार के परिणामों में से एक है। लूका 19:1-10 बुद्धिमान व्यक्ति के विषय दृष्टांत में यीशु ने कहा कि उसने गहरा गड्ढा रेती की सतह के नीचे तक खोदा तथा चट्टान पर नींव डाली। लूका 6:48 मूर्ख व्यक्ति ने भी उसी क्षेत्र में अपना घर बनाया, परंतु उसने गड्ढा गहरा नहीं खोदा, उसने अपनी नींव रेत की सतह पर ही रखी।
हम इस दृष्टांत को सत्य तथा असत्य मन फिराव पर लागू कर सकते हैं। केवल तभी जब हम दर्द को उठाते हुए अपने जीवन द्वारा संपूर्ण वापसीकरण करते हैं, तो क्या हम गहरा खोदते हैं? जब हम मसीह के पास आते हैं, तो ये अच्छा होगा कि हम आरंभ ही में समय निकालकर हमारे उद्धार रहित जीवन की उन बातों को जान ले जिन्हें हमें ठीक करने की आवश्यकता है। यदि हम यहाँ बाहरी दिखावा ही करते रहे और कुछ बातों से चूक जाए, तो हम पाएंगे कि नींव कमजोर रही है और एक दिन हमारा घर गिर जाता है। वापसी में क्या मिला हुआ है? वापसी में क्या मिला हुआ होता है? इसका अर्थ है कि यदि हमने सरकार को टैक्स इत्यादि के मामलों में धोखा दिया है, तो आपको उन करों को भी अभी चुकाना होगा। कभी कभी संबंधित विभागों को चुकाना संभव नहीं हो सकता है, परंतु जहां इच्छा होती है वहां उपाय सदा होता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो हम ये निश्चित करने के लिए कि सरकार का जितना पैसा हमारे ऊपर आता है उतना उसे लौटाने के लिए पोस्ट ऑफिस के टिकट या रेल यात्रा का टिकट खरीदकर उन्हें फाड़ डाले। यदि आपने मनुष्यों से धोखा किया है, तो उन्हें पूरे पैसे लौटाते हुए उनसे क्षमा याचना भी कर ले। उन्हें ये भी बताएं कि ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आया। यदि आप पाते हैं कि आप में ऐसा करने का साहस नहीं है, तो वापस करते समय एक भाई को अपने साथ ले जाइए। यदि आप एक साथ अपना पूरा कर्ज ना चुका सके, तो चिंता मत कीजिए, उसे किश्तों में पूरा कीजिए, परंतु उसे आरंभ करें, चाहे 5 रुपए के साथ क्यों ना हो। जिस दिन जक्कई ने कर्ज वापसी का निर्णय लिया, उसी दिन परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया। उसने उसे सब कुछ पूरा चुकता करने के बाद ग्रहण नहीं किया। यदि आपने किसी के साथ धोखा किया है और आपको पता नहीं अब वह कहाँ रह रहा है, तब आप वो पैसा परमेश्वर को लौटा दे, जो सभी पैसों का वास्तविक स्वामी है। ये नियम परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए निर्धारित किया था। गिनती 5, 6 और 8। हमें किसी भी स्थिति में गैर कानूनी रीति से लिया गया पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर की आशीष इस पर कभी नहीं होगी। यदि हमने किसी को किसी प्रकार से चोट पहुंचाई है जिसमें पैसा नहीं लगा है, तब हम उस व्यक्ति के पास जाए तथा उससे क्षमा याचना करते हुए क्षमा करने की मांग करें। मैं ऐसे भाइयों को जानता हूँ जिन्होंने महीनों तक पैसा जमा किया और अपने बैंक के खाते से सरकार को उसके वापसी के लिए पैसा निकालकर खाली कर दिया, क्योंकि उन्होंने सरकारी करों की तथा सीमा शुल्कों की कस्टम ड्यूटी की धोखाधड़ी की थी और परमेश्वर ने उन्हें इससे भी अधिक उत्तम बातों से आशीषित किया जो बैंक खातों से भी बड़ी थी। मैं दूसरे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जितनी बार बस या रेल से बिना टिकट सफर किया उसकी गिनती करके उतना पैसा वापस लौटा दिया। जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य ठहरते हैं, वो परमेश्वर के लिए बड़े कामों को करने वाले होते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपनी उपाधि प्रमाण पत्र लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पास गए तथा स्वीकार किया कि उन्होंने अंतिम परीक्षा में धोखाधड़ी की थी। यदि आवश्यक पड़े तो अपने विवेक की शुद्धता के लिए वो अपनी उपाधि प्रमाण पत्र की बलि चढ़ाने को भी तैयार थे। परमेश्वर ने उन्हें ऐसे विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की दृष्टि में ऐसा अनुग्रह दिया कि उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। परंतु
सदा ऐसा ही नहीं होगा। आपके मामले में हो सकता है कि परमेश्वर विश्वविद्यालय को अनुमति दे कि वह आपका प्रमाण पत्र छीन ले, परंतु तब ये आपके लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ठहरेगी। मैं एक भाई के विषय में जानता हूँ जिसने एक व्यक्ति को क्षमा याचना का पत्र लिखा, जिसका उसने कई वर्षों पहले छोटा सा टिकट चुराया था। चोरी चोरी ही है, चाहे चोरी हुई वस्तु की कीमत कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, थोड़ी ही बातों में हमारी विश्वास योग्यता की परख होती है। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप अपना भविष्य देखें तथा आपने पिछले जीवन में जितनी भी छोटी गलतियां की है उनका स्मरण करके कतार लगाए। नहीं, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपको स्मरण दिलाएगा कि क्या क्या ठीक करना है और उन्हें आपको ठीक करना होगा। ऐसी भी बातें होगी जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो गलती हुई होगी वो उलझन भरी होगी। ऐसी स्थिति में आपको परमेश्वर के सम्मुख दुख प्रकट कर उससे उसकी दया की मांग मात्र करनी होगी। हम किसी भी स्थिति में शैतान को ये अवसर न दे कि वो हमें अपराधी महसूस कराए और सदा के लिए दंडित ठहराए। परमेश्वर हमारी संपूर्ण परिस्थिति को जानता है और वो हमें अति कष्ट नहीं देता है। यदि आपके पास इच्छा पूर्ण मन है तो परमेश्वर जो कुछ भी आप करने में समर्थ है उसे ग्रहण करेगा, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। 2 कुरिन्थियों 8:12। परमेश्वर की स्तुति हो क्योंकि वो इतना दयावान है। परमेश्वर उनका आदर करता है जो उसका आदर करते हैं। 1 शमूएल 2:30। और एक मार्ग जिसके द्वारा हम आदर करते हैं वो है हमारा थोड़ी बातों में विश्वास योग्य पाया जाना। यदि हम वापसीकरण नहीं करते हैं तो मानो हम आजीवन के लिए अपने साथ जंजीर को खींचते चले जा रहे हैं। परमेश्वर यह देखने के लिए हमारी परख करेगा कि क्या हम अपने पैसों, अपने आदर, अपनी उपाधियों और यहाँ तक कि अपनी नौकरी से अधिक शुद्ध विवेक को कीमत देते हैं या नहीं। बहुत से लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर की स्तुति हो कि हर एक पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं जो पृथ्वी की सभी बातों से बढ़कर परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं। दूसरों को क्षमा करना, मन फिराव में दूसरों के पापों को क्षमा करना भी पाया जाता है। उन्हें जिन्होंने हमें किसी भी रीति से चोट पहुंचाई है, यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्यों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:15। वो आगे कहता गया कि दूसरों को केवल बाहरी रूप से नहीं परंतु हृदय से क्षमा करनी चाहिए। मत्ती 18:35। यदि हम दूसरों को संपूर्ण हृदय से तथा पूर्णतः क्षमा न करें तो परमेश्वर के द्वारा हमें क्षमा प्राप्त करना भी असंभव है। हो सकता है दूसरों ने जो हमारे साथ किया उसे हम भुला नहीं पा रहे हो, परंतु जब कभी भी ये परीक्षा आए तो उनके द्वारा की गई बुराई के विचार को निश्चय ही हम इनकार कर सकते हैं। शायद किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है कि आपको उसे संपूर्ण हृदय से क्षमा करने में सचमुच कठिनाई हो रही है, तो परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आप क्षमा कर सके और आप पाएंगे कि वो आपको दोनों अर्थात उचित इच्छा और किसी को भी क्षमा करने की सामर्थ्य भी देना चाहता है। जब हम सोचते हैं परमेश्वर ने बड़ी स्वतंत्रता से हमारे लाखों लाख पाप क्षमा कर दिए हैं, तो इसी रीति से हमें भी दूसरों को क्षमा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जब हम
दूसरों को क्षमा नहीं करते तब शैतान हमारे ऊपर सामर्थी हो जाता है। क्षमा करें, पौलुस ने कहा, कि शैतान का हम पर दाव न चले। 2 कुरिन्थियों 2:10-11। शैतान की ओर एक परिवर्तित बर्ताव एक और क्षेत्र है जहां बातों को ठीक करने की आवश्यकता है। वह है शैतान तथा दुष्ट आत्माओं के साथ संपर्क का क्षेत्र। यदि आपने ज्योतिषाचार्य, मूर्ति पूजा, हस्तरेखा पठन, काला जादू इत्यादि में सीख पाली है, या आप रॉक संगीत और चोट पहुंचाने वाले नशीले सेवन में दिलचस्पी लेते रहे हैं, तो आपको शैतान के साथ इन संपर्कों को त्यागना होगा। यद्यपि इनमें से कुछ संपर्क विवेकहीन दशा में बनाए गए हैं, पहला काम आपको ये करना होगा कि आप सारी मूर्तों, जादू की पुस्तकों तथा ताबीजों इत्यादि का नाश कर दे जो आपके पास हो। इन्हें बेचे नहीं, नाश करे। प्रेरितों के काम 19:19। तब आप ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, शैतान के साथ मेरा जाने अनजाने में जो संपर्क था उसे मैं त्यागता हूँ। और तब शैतान से सीधे कहे, शैतान, यीशु मसीह के नाम में जो मेरा प्रभु वो उद्धार करता है, मैं तेरा सामना करता हूँ और तू मुझे अब कभी छू नहीं सकता, क्योंकि मैं अब प्रभु यीशु मसीह का हूँ। याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और तब वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तब शैतान की आप पर और आगे पकड़ नहीं रह जाएगी। यदि हम परमेश्वर के साथ नित्य चलते रहेंगे तो वह हमारे जीवन के विभिन्न भागों में अधिक से अधिक ज्योति देता जाएगा। हो सकता है ये हमारे वस्त्रों के विषय में हो जिसमें संसारिकता झलकती हो, या भाषा या शब्दों के स्वरों की कठोरता में हो, या जिस रीति से पढ़ने की आदत से हम अशुद्ध हुए जा रहे हैं इत्यादि से हम उन नए क्षेत्रों को नित्य खोज पाएंगे जहां हमें मन फिराव तथा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इस प्रकार लगातार मन फिराव के मार्ग में हम आजीवन चलते रहें।